वेलकम टू माय चैनल। नमस्ते, कैसे हो आप? हम ठीक हैं। आज हम बता रहे हैं अभी कोई रेसिपी, बेसन की सब्जी। जी मैंने ऑयल डाल दिया है, अब डाला थोड़ा सा मैंने जीरा। और डाल दूंगी अब मैं प्याज, कटा हुआ प्याज मैंने रख लिया था। डाल दूंगी मैंने प्याज और इसको थोड़ा ब्राउन करते हैं। मैंने ले लिया है बेसन, और इतनी देर मेरा प्याज फ्राई होता है, मैं इतने देर में बेसन का जो स्टफिंग बना लेती हूँ। थोड़ा सा डाला है मैंने इसमें जीरा, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और थोड़ा सा इसमें डाल देती हूँ नमक। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करके अब इसका मैं घोल बना लूँगी। डालती हूँ थोड़ा थोड़ा करके पानी, उसको बना लेती हूँ मैं गोल। ये ज़्यादा पतला नहीं करूँगी मैं। ये मेरा बेसन का गोल तैयार हो गया है और मैं इसको डालूँगी। अब ये मेरे पास है नमक का पैकेट, आप कोई भी पैकेट ले सकते हो। फिर मैं इसको लास्ट पे लगाऊंगी इसको। ये मैंने अच्छी तरह सॉफ कर लिया है और इसमें डालूंगी मैं ये जी। अब ब्राउन हो गया है मेरा प्याज और मैं डालती हूँ इसमें लाल मिर्च। मिर्च में थोड़ी ज़्यादा ही डालूंगी कि हमको तीखा पसंद है। थोड़ी सी डाल दी मैंने हल्दी और नमक, थोड़ा सा धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च। इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। पका देती हूँ थोड़ा मैं कवर। अब मेरा मसाला हो गया है, टमाटर भी अच्छी तरह भुन गया है। अब मैं डालती हूँ इसमें थोड़ा सा दही। ये डाल दिया मैंने थोड़ा सा दही। ये बहुत ही जल्दी बनने वाली सब्जी है, ट्राई करना और अच्छी भी होती है। अच्छी तरह इसको हिलाते हैं कि नहीं फट ना जाए। अच्छी तरह से हिला लेते हैं जब तक इसमें और ना जाए। थोड़ा सा दही को पका लेते हैं, फिर डालेंगे हम इसमें बेसन। अब मैं डालती हूँ इसमें पानी, इतना सा पानी डाल देती हूँ मैं इसमें। अब डालती हूँ इसमें आस्ता आस्ते इसमें बेसन की ये पकौड़ियाँ। अब बनाती हूँ मैं इसमें बेसन की ये पकौड़ियाँ, जिसमें बहुत ही अच्छी तरह से पक के रेडी हो जाएंगी और बहुत ही टेस्टी सब्जी ये बन के तैयार होगी। अब एक बार ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये कैसी लगी ये रेसिपी और इसका टेस्ट कैसा लगा आपको। देखो जी मैंने बेसन का ये डाल दिया है, कितने अच्छे बिल्कुल अच्छे से बन गए हैं ये, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। वो टेस्ट भी इसका बहुत ही अच्छा आएगा। जी मैंने डाल दी है थोड़ी सी
इसमें कसूरी मेथी, ये सब्जी मेरी अब बन के रेडी हो गई है। थोड़ा सा डाल देते हैं इसमें गरम मसाला, बहुत ही अच्छी जी चटपटी सब्जी बन के तैयार हो गई है। अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।